ये देखिए, ये एशियन पेंट कंपनी का रॉयल, देखिए ये रॉयल प्ले मेटालिक गोल्ड है ये। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये एशियन पेंट का, देखिए ये देखिए रॉयल प्ले का मेटालिक गोल्ड है ये। क्वांटिटी की बात करें तो देखिए ये 200 ml है। नेट पैकिंग की बात करें 3/2024। MRP की बात करें तो ये देखिए यहाँ दे रखा है, ये देखिए 420 रुपये। देखिए ये देखिए, तो ये गोल्ड है, ये जो गोल्ड है ये वाटर बेस गोल्ड है। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा, इसकी फिनिशिंग कैसी होती है वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो अगर उससे पहले अगर आप लोग सब नए हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ऐसे यूज़फुल वीडियो देखते रहने के लिए। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसको आप घर के अंदर कहीं पर भी कर सकते हैं आप इसको अपने दीवार पे कर सकते हैं, या कहीं टेक्सचर टुक्चर करना उस पर कर सकते हैं। इसके मेटालिक के ऊपर भी मैंने टेक्सचर के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इसकी फिनिशिंग कैसी होती है गोल्ड, ये जो अपना वाटर बेस जो पानी वाला होता है वो गोल्ड कैसा होता है वो मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो किसी ने मुझे पूछा था कि जो मैंने पहले, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा था। देखिए ये है हमारा, ये भी हमारा एशियन पेंट कंपनी का, देखिए एपकोलाइट प्रीमियम इनेमल ग्लॉस है, ग्लॉस में ही था ये भी, ये देखिए ये भी गोल्ड था। तो इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो किसी ने पूछा था कि कोई वाटर बेस वाला हो तो हमें वीडियो बना के बताए। तो इसलिए मैं ये, मैंने अभी पैकिंग ली है 200 ml की, ये 1 लीटर में भी आपको मिल जाता है, 200 और 1 लीटर की पैकिंग में मिलेगा ये आपको एशियन पेंट कंपनी का। तो ये गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीन कलर में आता है रेडीमेड। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को और इसकी शाइनिंग भी दिखाऊंगा किस तरह का दिखता है। तो इसको मैं खोलता हूँ, तो इसको खोलना है यहाँ से, इसकी पैकिंग देखते हैं हम, इसको खोलते हैं यहाँ से। इस तरह से खोलना है इसको, बिल्कुल आसानी आसान तरीके से खुल जाता है, कोई वो नहीं है जोर जबरदस्त तरीका काम। ये देखिए, तो मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को इसकी फिनिशिंग कैसी है। ये देखिए, ये है हमारा, देखिए मेटालिक गोल्ड, ये देखिए ये वाटर बेस है। तो इस तरह की इसकी फिनिशिंग होती है, देखिए ये देखिए इस तरह की फिनिशिंग होती है इसकी। थोड़ा मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो मैंने पहले गोल्ड कर रखा है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पे। तो इस तरह का था ये जो हमने एशियन पेंट का जो इनेमल वाला था, जो ऑयल बेस वाला, तो इसकी फिनिशिंग इस तरह की थी। तो अब इसकी मैं इसके साथ ही करके दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह का गोल्ड है ये, तो ये आपका वाटर बेस गोल्ड है, इसमें आप पानी मिला सकते हैं पर इस पे ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। ये देखिए इस तरह का है, ये देखिए इस तरह का गोल्ड है ये। ये देखिए इस तरह का गोल्ड रहता है। तो ये थोड़ा अभी गिल्ला है, सूखने के बाद इसकी शाइनिंग अच्छी आती है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये जो अपना वाटर बेस गोल्ड होता है वो कैसा होता है गोल्ड कलर, ये मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दिया है। बाकी मैं आपको सूखने के बाद भी दिखा दूंगा आप लोगों को, सूखने के बाद कैसा दिखता है।
ये अभी मैंने थोड़ा करके दिखा दिया है। तो देखिए ये गोल्ड है ये हमारा, तो एमआरपी का भी मैंने बता दिया, क्वांटिटी का भी बता दिया मैंने। तो एमआरपी आपका ध्यान रहे, प्राइस से नीचे ही रहता है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, जो प्राइस है वो स्टेट वाइज होता है, एरिया के हिसाब से होता है। तो आज की वीडियो में मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो हमारा ये मेटालिक है आपने ध्यान रखना है, ये एशियन पेंट कंपनी का, देखिए एशियन पेंट कंपनी का रॉयल, देखिए रॉयल के नाम से प्ले मेटालिक करके आता है। ये देखिए क्वांटिटी की बात करें तो देखिए नेट है ये 200 ml है, 200 ml की शीशी है ये, देखिए पैकिंग है ये। तो ये देखिए यहाँ रॉयल प्ले मेटालिक गोल्ड भी लिखा है, देखिए बैच नंबर है ये देखिए। तो ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से आपने ये मेटालिक यूज़ करना है। इसमें जो पानी मिक्स करने की बात है तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिक्स करना पड़ता है, मामूली सा पानी। तो एक अगर एक लीटर में कम से कम हमें अगर पानी मिक्स करना है तो कम से कम 25 से 30 ग्राम के आसपास ही मिक्स करना है। आपने देखना है आपका सरफेस कैसा, आपने कहाँ करना है, टेक्चर पे करना है या किसी आपका शो पीस है उस पर करना है, वो आपके ऊपर ध्यान है। तो और ये इंटीरियर ही होता है, ये एक्सटीरियर भी होता है, अगर आपने एक्सटीरियर लेना एक्सटीरियर भी मिल जाता है। तो ये जो पैकिंग है इंटीरियर है तो ये अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। तो एक्सटीरियर भी मिल जाता है, अगर आपने एक्सटीरियर लेना है तो एक्सटीरियर भी ले सकते हैं। तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, इसकी लाइफ भी। तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया तो ये किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है और इसकी पैकिंग के बारे में बता दिया आप लोगों को। तो ये आपका वाटर बेस होता है ये गोल्ड मेटालिक, इसको आप लोहे में लकड़ी में नहीं कर सकते, आपने ये ध्यान रखना। लोहे और लकड़ी में करेंगे तो इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये सिर्फ आप काय पे कर सकते, दीवार पे कर सकते, या कोई अगर आपकी मिट्टी का कोई पीओपी का अगर कोई डिज़ाइन बना है उसके ऊपर भी कर सकते आप लोग, उस पर अच्छी इसकी शाइनिंग आती है, बेस अगर अच्छा बना तो अच्छी शाइनिंग आएगी। तो मैंने आज आप लोगों को बता दिया किस तरह से आपने इसको कोटिंग करना है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग सब नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। और ये आपका देखिए नीचे ये बेल आइकन है, उसको आप प्रेस करना ना भूले ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जैसे आप बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आपको जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करके रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए, और एक लाइक भी कर देना आप लोगों ने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।